सबसे पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी इसके नाम से ही पता क्लियर है, गैमेट और जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट करना, फॉर्म करना। तो जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा इसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है, इसमें दो अपोजिट सेक्स फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटोजेनेसिस जो हो गया ये दो तरह का हो गया, गैमेटो जेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ऊजेनेसिस जहां पर एग का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, तो जहां पर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो मेल गैमेट जो होता है, जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म ये मोटाई होता है, ये क्या होता है, मोटाई होता है, यानी कि ये मूव करकर फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है। और इसके मोटाई होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो है सो यह आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो ये कहां फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर। दूसरा है ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, जिसको हम लोग एग या ओवा कहते हैं। तो एग जो होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म करता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म करेगा एग। और ये जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होने के कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जिसके कारण इसको एनर्जी नहीं मिल पाता है, और ये जो है सो किसी एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। ये कहां स्टेबल रहता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस।